आज वर्ल्ड डायबिटीज अवेयरनेस डे है। आज के दिन हमारे साथ में है शिल्पा मैम, जिन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, और आज हम उनसे जानेंगे कि डायबिटीज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में इसकी प्रॉब्लम लगातार देखने को मिल रही है, कम एज के बच्चों में हो रहा है, क्योंकि ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो हम शिल्पा मैम से जानेंगे, आइए जानते हैं। शिल्पा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। थैंक यू मैम जी। तो बहुत सारे ऐसे मिथ है लोगों में कि डायबिटीज को लेकर, डायबिटीज एक वर्ड है बस लोगों के लिए, अभी उनको पूरी चीजें नहीं पता है, तो उनको कैसे बताया जा सके कि ये डायबिटीज हो रहा है। डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है जो कभी खत्म नहीं होती, लाइलाज बीमारी है जी। और ये अगर यदि आपने इसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो अभी भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं। और सर्वे के दौरान ये देखा गया है कि उम्र से पहले मरने वालों की संख्या दुगनी हो गई है जो डायबिटिक हैं। तो आप इसको उतनी ही गंभीरता से लें जितना कि आप कैंसर को लेते हैं। और ये बहुत सिंपल, इसका इलाज बहुत सिंपल है, आपके हाथ में है। फर्स्ट तो ये कि आपकी जो ईटिंग हैबिट है वो हेल्दी होनी चाहिए, और आपकी लाइफ में एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। ये सिर्फ डायबिटिक के लिए नहीं बल्कि किसी भी बीमारी से अगर आपको बचना है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, तो सिर्फ आपको दो ही चीज़ करनी है। एक तो आपकी ईटिंग हैबिट सुधारिए और दूसरा वर्कआउट स्टार्ट करिए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, या वो स्विमिंग हो, रनिंग हो, वॉक हो, कुछ भी हो। कहीं ना कहीं ये हमारे जो लाइफ स्टाइल है उस पर डिपेंड करता है कि डायबिटीज होगा या नहीं होगा। लेकिन लोगों में एक चीज़ और भी है मैम, कि लोग बोलते हैं जेनेटिक होता है, कुछ लोग बोलते हैं जेनेटिक होता है, मुझे तो डायबिटीज होगा ही होगा, जो अगर किस उनके पेरेंट्स को होता है या फिर दादा नानी को होता है, किसी को होता है। तो डायबिटीज होने का रीज़न क्या है, अगर ये हमारी बॉडी में क्यों होता है? पहला तो यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी है, इंसुलिन डेफिशिएंसी इट मीन्स आपका बॉडी इंसुलिन बनाएगा, ये पैनक्रियाज में बीटा सेल होती है वहाँ पर इंसुलिन बनता है जो कि एक हार्मोन से। अब जैसे ही ब्लड शुगर बढ़, जैसे ब्लड में शुगर हाई होती है तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। अब आपका पैनक्रियाज वर्क ही नहीं कर रहा, या तो वो बहुत कम इंसुलिन बना रहा है जितनी बॉडी को ज़रूरत है, डेफिशिएंसी हो गई। ये टाइप वन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं कि जब हमारी बॉडी ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। दूसरी, ये मोस्टली पैदा हुए बच्चे हो सकते हैं, या फिर ये मोस्टली बच्चों में होता है, या 1 साल से 5 साल के बच्चे, आपको शुरू में समझ में आ जाएगा कि डायबिटिक वन पेशेंट्स हैं। फिर दूसरा होता है, हमारी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर तीसरा रीज़न होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी, या फिर तो आपकी ग्लूट फोर होता है, किसी गड़बड़ी के कारण ग्लूट फोर में जो रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन अटैच करते हैं, उसके बाद में ब्लड में से जो ग्लूकोज होता है वो हमारी सेल्स में जाता है, वो ख़राब हो गए हों, तो इस वजह से इंसुलिन अंदर जा ही नहीं रहा। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक तरीके की चाबी है जो हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको सेल्स में जाने में हेल्प करती है। वो चाबी लगेगी, ताला खुलेगा, देन फिर शुगर जाएगी अंदर। अब ये हो गया कि आपकी चाबी ख़राब हो गई, फिर कैसे शुगर अंदर जाएगी? तो इस तरीके से होती है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? डायबिटीज़ होने के कारण सबसे पहला लाइफस्टाइल हो जाता है डिसऑर्डर, जिसके कारण आपको ओबेसिटी हो रही है। अब ओबेसिटी हो रही है मतलब आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा जमा हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड आपका हाई हो रहा है, इस वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। या फिर तो आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत हाई हो गया है, जिसको हम कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो हाई हो गया है। या तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम हो गया हो, वो भी एक वजह हो सकती है। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक होते हैं उनमें ये देखा जाता है या तो आगे चल के माँ को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर तो बच्चे को, ठीक है। और ये जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है और आपकी हेल्दी रूटीन है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं, तो आपको नहीं होगा। ऐसा होता है कि यदि आप अच्छे से रह रहे हैं तो आपको नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसा भी है कि आपकी फैमिली में किसी को नहीं है बट आपका रूटीन बहुत ख़राब है, अनहेल्दी ईटिंग हो रही है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड, चिप्स वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपको भी हो सकती है डायबिटीज़।
जी, इंसुलिन को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारे मिथ होते हैं कि वेट गेन होता है या फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे वोमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। वो वाला इंसुलिन गोलियों में नहीं, यदि आप इंजेक्शन पे चले गए हैं, इंसुलिन बहुत हाई ले रहे हैं, हमेशा एक चीज़ होती है कि आपने आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट ही आपका शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, उसको शुगर समझ, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोजन में, और ग्लूकोजन जितना बॉडी को यूज ग्लूकोज में फूड जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोजन में, ग्लूकोजन हमारी बॉडी में ऊर्जा को देता है, जितना हमारी बॉडी को स्टोर करना होता है, जैसे लीवर हो गया या स्केलेटल मसल वो सेव कर लेती है, उतना स्टोर करती है, बाकी का जो बचता है वो एडिपोज टिश्यू में चल जाता है जो कि फैट बना देते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं कार्ब तो वो फैट बनेगा, तो आपका वेट बढ़ रहा है। अब इंसुलिन ले रहे हैं, ये मात्रा तब डिसाइड करती है कि आपका वर्क रूटीन क्या है, आप कितना कार्ब ले रहे हैं। यदि आप कार्ब ज़्यादा ले रहे हैं और इंसुलिन भी ज़्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो फैट ज़्यादा बन रहा है ना, क्योंकि इंसुलिन आपने लिया, ब्लड में जितना ग्लूकोज था वो सारा सेल्स में चला गया, अब सेल्स को जितने की ज़रूरत थी उन्होंने उतना रखा, बाकी एडिपोज टिश्यू को दे दिया, उसने फैट बना दिया, आपका वेट बढ़ने लगेगा। और ज़्यादा इंसुलिन लेने से बहुत सारी दिक्कतें देखी गई हैं, जैसे कि सिर चकराना या फिर हाथ पैरों में सूजन आ जाना या फिर बॉडी में फैट परसेंट बहुत ज़्यादा हाई होना और भी चीज़ें। आज के डेट में एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, क्योंकि आज जो जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही, कम उम्र के बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है, तो उनको पता ही नहीं चलता, जब वो चेकअप करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है, और अभी एज भी बहुत कम हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये चीज़ पता चलना कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, बहुत सिंपल सिम्टम्स होते हैं, आप देखिएगा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहे हैं उनकी नेक पे ब्लैक ब्लैक निशान आने लगेंगे, उनकी एल्बो पे निशान आने लगेंगे, नी पे ब्लैक स्पॉट्स आने लगेंगे या फिर फिंगर पे यहाँ पे, तो इससे आपको समझ में आएगा कि यार ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहे हैं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा अचानक से दुबले होने लगना या फिर तो आपका बार बार पेशाब आना, बार बार भूख लगना और घाव देर से भरना, ये तीन चीज़ें, ये चार चीज़ें हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि यार ये डायबिटिक की ओर जा रहे हैं या तो ये प्री डायबिटिक है, तो आप उसी वक्त टेस्ट करवाइए फिर। जी, अभी जैसे कि अगर हमारे घर में किसी को भी डायबिटीज़ हो जाता है, जैसे कि हमारे बड़े लोगों को हो जाता है, हाँ, तो मीठे को हम सबसे बड़ा जहर मानते हैं उनके लिए। मैं भी यही कहूँगी, क्योंकि अगर मैंने इतना भी कह दिया ना कि आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं तो इंसान फ्री हो जाता है, ये सोचता है कि अरे दवाई खा रहे हैं, दवाई अपना काम कर रही है, हम मीठा खाओ, अब ज़िंदगी एक ही मिली उसको थोड़ी ना छोड़ेंगे, लेकिन आप ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि आप डायबिटिक हैं तो कोशिश करिए आप शुगर ना लें, आप डायरेक्ट शुगर लेने से चीनी या गुड़ या फिर ब्राउन शुगर ये सब एक बराबर ही हैं, ये आपकी बॉडी में डायरेक्ट, ये सिंपल काम है, ये डायरेक्ट शुगर ये बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे आपका ग्लूकोज। इसके अच्छा अगर आपको इंजॉय ही करनी है लाइफ तो आप वो फूड ले सकते हो जो डायबिटिक पेशेंट्स को मोस्टली मना किए जाते हैं, जैसे कि अगर किसी को आम पसंद है तो आप चीनी लेने से अच्छा मैंगो खा लो ना, आप सीताफल खा लो, आप चीकू खा लो, लेकिन एक मात्रा में, कभी भी कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा वैसे भी मत खाओ, वो मोटापा देगी, अदर बीमारी देगी। जी, अभी एक और मिथ भी है, अगर मिथ कहा जाए या सच कहा जाए, कि आलू नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि डेली यूज में सभी खाते हैं ये, हाँ। तो डायबिटिक पेशेंट को ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा यदि आपका फाइबर परसेंट आपके कार्ब परसेंट से हाई है तो आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको राइस खाना है, राइस में कुछ प्रोटीन होते हैं, एसेंशियल प्रोटीन होते हैं, कुछ राइस में होते हैं, कुछ दाल में होते हैं, आपने दाल चावल को मिक्स किया, उसमें वेजिटेबल्स मिक्स की, सम काइंड ऑफ प्रोटीन ले लिया, जैसे पनीर ऐड कर दिया, आप इस तरीके से सबको मिला के खिचड़ी बना सकते हैं या तो पुलाव बना सकते हैं। अब वहाँ पे क्योंकि आपने वेजिटेबल्स यूज़ किया है तो फाइबर भी बढ़ेगा, विटामिन्स भी बढ़ेंगे, आपने प्रोटीन यूज़ किया है तो आपका ये हेल्दी फूड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चावल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि मैं डायरेक्ट ही सिर्फ दाल चावल खा लूँ तो वो थोड़ा आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपने कार्ब ज़्यादा ले लिया, दाल में बहुत कम प्रोटीन मिला। तो जब भी आप खा रहे हैं
यदि आप दाल भी बना रहे हैं तो मैं कहूँगी दाल में यदि आप कोई वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे दाल पालक बना लो, लौकी पालक लौकी की दाल लौकी दालक दाल बना लो, या तो अलग अलग तरीके की दाल को मिक्स करके बना लो। ऐसे जब हम राइस पे आते हैं तो राइस में भी कोशिश करिए या तो आप चिकन मिला लें या पनीर मिला लें या बीन्स मिला लें, जैसे राजमा छोला हो गया या सॉरी राजमा चावल हो गया, छोला चावल हो गया, इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़, कोशिश करिए चावल अगर अवॉइड कर रहे हैं यदि आप इंसुलिन पे हैं। पहले के डेट में दादी नानी लोग कहती थी कि सत्तू खा लो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, तो आज के डेट में अगर आप उनको सजेशन देना चाहेंगी डायबिटीज लोगों को। एक्चुअली सत्तू बनता क्या है, होल ग्रेन होता है जिसको भूंजते हैं फिर पीस के यूज़ करते हैं। अभी कहा ग्रेन को मिक्स करके यूज़ करिए, ये तो होल ग्रेन तो और अच्छी चीज़ है, चना भी अच्छी चीज़ है। तो ये उन्होंने सिंपल सी वही कहा कि होल ग्रेन था, उन्होंने दो तीन या तो आप कभी भी देखेंगे चने का सत्तू रहता है, बाजरे का, जौ का सत्तू होता है, ये होल ग्रेन होते हैं, इनको मिक्स करके बनाया जाता है। इसमें शीट डाले जाते हैं, इसमें क्यूमन सीड हो गया, इलायची हो गया, ये ऐड करते हैं। तो आप ये ले सकते हैं लेकिन उसमें शुगर ना लें, इसको मठे के साथ लें जी। मैम अब मेरा सवाल ये इससे थोड़ा डायबिटीज़ से हटके है कि अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे इस फील्ड में आना है, एक डाइटिशियन बनना है, तो क्या स्कोप है अभी के डेट में? बहुत अच्छा स्कोप है। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी अपनी हेल्दी रूटीन नहीं फॉलो कर रहा है, इतना ज़्यादा बाहर कैफे रेस्टोरेंट होटल और अब घर बैठे हैं, आपको नहीं चलना है, आपको कहीं नहीं जाना, आपको फ़ोन उठाना है, बस अपना फूड ऑर्डर करना है, आएगा, आप खा लोगे। अब इसमें देखो खराबी क्या हुई, एक तो ना तो आप वहाँ तक चले और आए कि आपको थोड़ी भी कैलोरी बर्न हुई हो, फिर आपने बाहर का खाया जो कि पाम ऑयल यूज़ करते हैं, तो इंसान की इतनी अनहेल्दी हैबिट्स हो गई है कि डाइटिशियन की बहुत ज़रूरत है कि कोई समझाए कि हेल्दी ईटिंग की ओर जाओ। मेरा एक्चुअली मेन मोटिव ही यही है कि मैं हेल्थ को प्रमोट कर सकूं, हेल्थ अवेयरनेस फैला सकूं। लोगों को बहुत मिथ है डाइट को लेके कि डाइट करना मतलब भूखे रहना है, कम खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाइट का मतलब है कि पूरा न्यूट्रिशन छोटे से मील में ऐड करके लेना, जिसमें आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन्स भी मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेगा, कार्ब भी मिलेगा, इवन आपको गुड फैट की भी बहुत ज़रूरत है। फैट हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यदि आपका फैट नहीं रहेगा तो मतलब आपके हार्मोन्स बिगड़ेंगे। तो डाइटिशियन का है स्कोप तो है, क्योंकि लोग भी उतने ही जितने को समझाने की ज़रूरत है। मैम आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी, जिनको डायबिटीज़ उनको कोई हेल्थ टिप देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले ये रिसर्च की गई है, जब आप खाना खाने बैठते हैं तो सिंपल खाना वही होता है जैसे सबके घर में होता है, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद। अब इसमें यदि आपने पहले रोटी खा ली, फिर आपने सब्जी दाल चावल खाया और आखिरी में सलाद खा रहे हैं, आपका ग्लूकोज बहुत जल्दी बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज बहुत जल्दी हाइक करेगा। इसी को अगर आप चेंज कर दें, सबसे पहले आप फाइबर लें, फिर आप प्रोटीन लें, उसके बाद में आप फैट लें और कार्ब लें, आपका ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा। यही चीज़ आपकी मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगी और आपका ग्लूकोज भी नहीं बढ़ने देगी। दूसरी चीज़ होती है प्लेट साइज़। जब हम जैसे नॉर्मल इंसान खाना खाता है तो हम उसमें 10% फैट रखते हैं, 30% प्रोटीन, 30% कार्ब और 30% फाइबर होता है। अब यदि अगर मैं किसी जो जिनको डायबिटीज़ है, मधुमेह है, अब उनको दूंगी तो मैं ये कहूँगी आपका 50% फाइबर होना चाहिए। 50% फाइबर होगा, 25% आपका प्रोटीन होगा, 25% आपका कार्ब होगा। मैम हमारे दर्शकों की इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने शिल्पा मैम से जाना कि डायबिटीज़ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द सूत्र। धन्यवाद।